और अभी जिस जगह में हम घूम रहे हैं इसे कहा जाता है जयपुर की पिंक सिटी। यहाँ पे आप देखिए चारों तरफ जितने भी मकान हैं यहाँ पे सब जिस भी कलर में हो रखे हैं इसी कलर को की वजह से यहाँ पे पिंक सिटी कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि पिंक सिटी का मतलब ये होगा कि जो आज के ज़माने का पिंक कलर है वो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम जयपुर में और रात को हम यहाँ आ गए थे, तो अभी निकल रहे हैं बस यहाँ से। मैं फ्रेश हो गया हूँ, बाकी जो साथी है वो फ्रेश होने के लिए गए हैं, ना तो क्या आते फिर निकलते सीधा यहाँ से जयपुर एक्सप्लोर करेंगे। दो तीन जगह आज शायद कवर हो पाएगी, तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं। हवा महल तो हम पक्का जाने वाले हैं और बाकी जो भी फोर्ट होंगे उसमें भी देखते हैं, जो भी पॉसिबल हुआ तो वहाँ तक हम विजिट करेंगे। तो बस अभी यहाँ से हम थोड़ी देर में 5 मिनट में निकलने वाले हैं, फिर मिलते हैं आपको सीधा गाड़ी में। तो फाइनली हम अपने रूम से निकल गए और अभी सबसे पहले ढूंढते कोई चाय नाश्ते की दुकान, फिर वहाँ से अपना ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। और एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ गई है गाड़ी में, जो इग्निशन की लाइट है वो कंटिन्यूसली ऑन रह रही है। तो आप ये देख सकते हैं ये इग्निशन की लाइट कंटिन्यू रात से ही कंटिन्यू ब्लिंक कर कंटिन्यू जले जा रही है, ऑफ़ नहीं हुई अभी तक। ये बीच में एक बार ऑन हुई थी फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो गई थी, लेकिन अभी कंटिन्यू ऑन हो रही है। हालांकि मैकेनिक से दिखा लिया है, वो कह रहे कोई मेजर इशू नहीं है, वो CNG की वजह से इग्निशन की लाइट ऑन दिखा रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा तो एक मन में भय आ ही जाता है कि इग्निशन की लाइट ऑन क्यों है, मे बी कोई मेजर इशू ना हो। आई होप सब ठीक रहे। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है जिसमें हमने मटर कुलचे खाए हैं और अब जा रहे हैं हवा महल की ओर, और वहीं दो तीन लोकेशन कवर करके फिर दिल्ली। और कल हमारा आने के अंदर हमारा फ्यूल इतने खर्च नहीं हुआ जितने का हमारे टोल लग गए, लगभग मान के चलिए कि हमारे 600 रुपये की CNG लगी और आई थिंक 200-300 रुपये का पेट्रोल लगा होगा, क्योंकि पेट्रोल लगने के बाद भी ये 30 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो और जो टोल लगे हमारे वो लगे है अराउंड 650 के, तो आप देख सकते आप समझ सकते हैं कितना टोल लगाया न्यू रूट से मुंबई एक्सप्रेसवे से आने का। अगर हम आते पुराने वाले रास्ते से जो आ रहा है जयपुर की तरफ, तो वहाँ हमारा जो टोल का खर्चा आता वो आता लगभग 300 रुपये के अराउंड, जो हमने अभी चेक करा था उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि 300 रुपये के अराउंड, 295 रुपीज़ समथिंग दिखा रहा था कितना हमारा टोल लगता। और न्यू एक्सप्रेसवे से देखिए 600 रुपये का टोल लगा, लेकिन मज़ा बड़ा आया उस रूट पर। पूरा का पूरा रोड खाली था, जयपुर तक कोई जाम नहीं, और मात्र हम 2.5 से 3 घंटे में हम दिल्ली से जयपुर पहुंच गए। और यहाँ का मौसम हो रहा है एकदम क्लियर, धूप निकली हुई है। ये सामने जो आप गेट देख रहे हैं इसी प्रकार के लगभग 8 गेट हैं जिसके अंदर जयपुर की पिंक सिटी बसती है। हालांकि जयपुर शहर काफ़ी बड़ा है, लेकिन इन गेट के अंदर का जो जयपुर शहर है उसे ही पिंक सिटी ऑफ जयपुर कहा जाता है। गाइस यहाँ के देखो सारे जो जितने भी मकान है ऑलमोस्ट एक ही कलर में है, एक ही जैसे बने एक ही जैसे बने भी हैं और कलर भी सेम है। और इसी रूट पे ही हवा महल पड़ेगा लगभग 0.5 किलोमीटर आगे, जैसे हम जाएंगे तो हवा महल हमारे लेफ्ट साइड में दिखेगा, वो रहा सामने हवा महल ये तो सामने जहाँ तिरंगा लग रहा है उसके पीछे। अच्छा यही है हवा महल। हाँ ये रहा हवा महल। तो यहाँ हवा महल के आसपास कोई पार्किंग ना होने की वजह से हम सीधा लगभग 300-400 मीटर आगे आए और यहाँ हमें गुरुद्वारा की पार्किंग मिल गई, जहाँ हमने यहाँ गाड़ी पार्क करी और रिक्शे में बैठ के अब सीधा हम जा रहे हैं जंतर मंतर की ओर। तो अभी हमने टिकट लेने के लिए अपने एक दोस्त को भेज दिया खाली जंतर मंतर की। तो जंतर मंतर की जो टिकट है वो है 52 रुपीज़ पर हेड, और अगर आप
कॉम्पोजिट टिकट लेते हैं जिसके अंदर ऑलमोस्ट 6 जगहें आती है, जैसे अल्बर्ट हॉल, एम्बर फोर्ट, जंतर मंतर, नारगढ़ फोर्ट, हवा महल, सिसोदिया रानी बाग और विद्यागर बाग। इन सब की आपको मिलेगी 400 की, जिसमें से सबसे एक्सपेंसिव जो टिकट है वो सिर्फ अल्बर्ट हॉल की है, ऑलमोस्ट 300 रुपये। तो आप सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं और पूरी एक पैकेज भी ले सकते हैं, जो कि वैलिड रहेगा आपका 2 डेज़ के लिए। तो अभी हम जंतर मंतर जा रहे हैं, फिर हवा महल जाएंगे या जो भी लोकेशन जाएंगे वो बता देंगे। तो अभी हम जंतर मंतर के अंदर एंट्री ले चुके हैं। कहीं से भी आ जाए तो जंतर मंतर का इन्वेंशन राजा सवाई जैन सिंह सेकंड के द्वारा सन 1728 से लेकर 1734 के बीच में किया गया था। राजा सवाई जय सिंह टू, जो कि खुद एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन और खगोल शास्त्री थे, जिस वजह से उन्होंने जंतर मंतर का निर्माण किया। और जंतर मंतर में 9 तरह के एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन हब भी कहा जाता है। और आप जो ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं बने हुए, ये सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स यानी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बनाए गए हैं। ये भी इतना बड़ा एक सनडायल है जो आपको टाइम बता। अभी हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट, जाना है लेकिन वहाँ एक्चुअली रात में ही चाहिए, क्योंकि रात में वहाँ नाइट शो और लाइट शो दोनों होते हैं। तो लेकिन हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम रात होने तक का वेट करें। और जो आमिर फोर्ट है वो तो नाइट में ही ओपन होता है, तो अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ से ड्रोन शॉट लेंगे और वहाँ से पूरा वो एक माउंटेन पे बना हुआ है और वहाँ से क्लियरली पूरा जयपुर का व्यू आता है। तो अभी चलते हैं वो वहाँ पे। और इसकी जो दूरी है हवा महल से 14 किलोमीटर है, जो हमने मैप पे डाल के देखी है। तो अभी चलते सीधा वहीं। ये है नाहरगढ़ फोर्ट की बावड़ी, जिसके अंदर रेन वाटर स्टोरेज होता है था। और ऐसी बावड़ी आपने दिल्ली में भी देखी होगी, उग्रसेन की बावड़ी। तो उसके अंदर क्या होता है, रेन वाटर स्टोर होता है और बाद में इसको यूज़ करा जाता था पहले के टाइम में। अभी तो यहाँ पर पानी देखो काफ़ी गंदा है, क्योंकि इस टाइम सफाई वगैरह कुछ होती नहीं है। तो अभी चलते आगे फोर्ट की तरफ। तो ये है पीछे नाहरगढ़ फोर्ट, और अभी हम ज़रा सनसेट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जहाँ से सनसेट होता है। और यहाँ पे क्या है कि जो
पूरा जयपुर का व्यू दिखता है पूरा ऊपर से, पहाड़ी के ऊपर से। तो वहीं की तरफ जाके देखते हैं कैसा होगा, और वहाँ से हो सकता है ड्रोन शॉट भी मिल जाए। जयपुर।
तो जैसा कि अभी आपने ड्रोन शॉट देखे, अनफॉर्चुनेटली मैं नाहरगढ़ फोर्ट के ले नहीं पाया, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड इट कि मैं अपना जो मोबाइल था जिससे मैं ड्रोन कनेक्ट करके फ्लाई करता हूँ वो गाड़ी में ही भूल गया। अब वहाँ मैं परेशान हो रहा कि मेरा मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल कहाँ गया, कहीं जेब तो निकट गई। वो वापस आके देखा तो मोबाइल फिर गाड़ी में ही था, तो थोड़ा सा ना माइंड भी अपसेट सा हो गया था एकदम से कि मोबाइल खो गया। तो अब थोड़ा दूर आके हमने यहाँ पे ड्रोन शूट कराए, जो आपने देखा होगा ड्रोन में कि ये जो जल महल है उसके लिए है। तो वहाँ नीचे तो अलाउड है नहीं ड्रोन फ्लाई करना, क्योंकि जल महल के बाजू में ही एयरफोर्स का एरिया है, तो जिस वजह से वहाँ उड़ा नहीं सकते थे ड्रोन। तो बाकी जो आमिर फोर्ट है यहाँ और भी जितने बाकी फोर्ट है उनमें रात में जाने का ही बेस्ट है, क्योंकि लाइटिंग शो वगैरह होते हैं जिसकी वजह से वो और भी अच्छे लगेंगे। तो अभी हम वापस यहाँ से अपना पैकअप करके निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और लोकेशन पे। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ। जय हिंद।